देखिए, हॉट रोल्ड कॉइल जो होते हैं उसके दाम लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ये स्टील कंपनी के लिए पॉजिटिव है। दूसरी तरफ चाइना से ये खबर आई कि वो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने जा रहे हैं, ऐसी खबरें वहाँ से निकल के आ गई। इसके चलते आज हम मेटल में चौतरफा तेजी देख रहे हैं और टाटा स्टील आज भी लीड कर रहा है। किरण, कल के सत्र में हमने देखा कि टाटा स्टील दिन भर थोड़ा सा एक रेंज में घूम रहा था, लेकिन आखिर के घंटे में रफ्तार इसने पकड़ी थी और आज भी हम देख रहे हैं कि ये शेयर थोड़ी तेजी के साथ ही कारोबार कर रहा है। टाटा स्टील पर आपका क्या व्यू है और क्या मेटल में कहीं और भी आपको मौके दिख रहे हैं, यहां से लॉन्ग इनिशिएट किए जा सकते हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल मैं निफ्टी मेटल के ऊपर व्यू देना चाहूंगा। निफ्टी मेटल इंडेक्स अगर आप देखोगे तो एक अच्छा सा कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमने देखा था निफ्टी मेटल में। ऑलरेडी हमने जो रैली साल के मतलब 2021 से एक रैली हमने देखी थी जहां पे मेटल इंडेक्स 3500 का था, वहां से उसने 6600 का टॉप बनाया, वहां से वापिस एक बड़ा करेक्शन आया 25-30% काइंड ऑफ, और 4400 के आसपास लो बनाया, वहां से एक राउंडिंग बॉटम या तो आप कप एंड हैंडल पैटर्न बोल सकते हो वो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया लास्ट वीक में, जो फॉल आया था वहां पे 50 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट था, उसको लेके बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं। और लास्ट 4 दिन से बिकॉज ऑफ चाइना की जो न्यूज आ रही है, मिक्स न्यूज है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, लेकिन कहीं ना कहीं मेटल इंडेक्स एक पॉजिटिव मोड में चल रहा है। उसके सामने आप अगर डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखोगे तो वहां पे एक ग्रेवस्टोन डोजी बनी हुई है, जो अगेन कमोडिटी प्राइसेस के लिए काफी अच्छा साइन है कि कमोडिटी में एक तेजी आ सकती है। तो ये ओवरऑल व्यू है कि कमोडिटी में या तो मेटल के अंदर स्पेसिफिकली हम आने वाले समय में अच्छी तेजी देख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द स्टॉक स्पेसिफिक, अगर टाटा स्टील की हम बात करें तो टाटा स्टील में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है और काफी दिनों के बाद ये स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। मई महीने में टाटा स्टील ने अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, तो अभी 200 डेज मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं 108 के आसपास है, स्टॉक अपने कंसोलिडेशन जोन के बाहर है। हालांकि आज ऊपरी स्तरों से उसमें हमने सेल ऑफ देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं 110 112 ये जो 2 रुपए का जोन है वो बाइंग जोन है, कोई भी डिप आता है मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। एज अ स्टॉप लॉस हम 108, थोड़ा पोजिशनल व्यू आप रखिए थोड़ा लंबे नजरिए के लिए, तो आप कोई भी डिप आता है 108 के स्टॉप लॉस से बाई कीजिए, ऊपर में 121 से 125 के जोन में आप आने वाले 1 से 2 महीने में इसके रेट देख सकते हैं।